दौलत जी, मैं आपसे कुछ यौन योगा के बारे में सवाल पूछूंगी, आप उसका मुझे आंसर दीजिएगा। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन है कि जैन योगा में खाना कैसे खाना चाहिए और किस तरह से खाना चाहिए? जैन योगा में खाना, जैन योगा के हिसाब से खाना खाने का तरीका ऐसा है कि आप जब खाना खाते समय मोटर का पालन करना चाहिए और आपके मन के अंदर अच्छे विचार आने चाहिए और खाना का 24 दिन वाले आपको खाना खाना चाहिए। ये जैन योगा हिसाब से खाना खाना चाहिए। थैंक यू। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी कि खाना खाने का मुख्य समय क्या होता है? जैन योगा के हिसाब से खाना खाने का मुख्य समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, ये खाना खाने का उचित समय। थैंक यू। एक क्वेश्चन और पूछूंगी मैं आपसे, भोजन करते समय किन किन चीजों का पालन करना चाहिए, ये आप हमें 2 शब्दों में बताइए। भोजन करते समय मूल व्रत का पालन करना चाहिए, ये तो उसका प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन आपके मन के अंदर उस समय अच्छे विचार होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपके मन के अंदर अच्छे विचार हो गए तभी वो खाने के अंदर से जो आपके पिंपल अंदर जो आवेग जा रहे वो आपके आवेग अच्छे विचार बन के निकलेंगे। थैंक यू। मेरा लास्ट क्वेश्चन एक और है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लयबद्ध श्वसन का पहला टप्पा क्या है जैन योगा के हिसाब से? जैन योगा के हिसाब से लयबद्ध श्वसन का पहला टप्पा ऐसा है कि आप चैन स्थिति में आइए और एक मोटा सा भारी किताब जिसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलो हो, वो किताब आप आपके लोअर बॉर्डर, नाभि के लोअर बॉर्डर के ऊपर रखना है और दोनों हाथ आपके गर्दन के पीछे रखना है और नॉर्मल श्वसन लेना है। ये लयबद्ध श्वसन का पहला टप्पा है। थैंक यू, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।